हेलो राहुल, अरे यार सुन ना, बात बताओ। मैं पापा का चड्डी पहन के आ गया यार। हाँ, वो चड्डी नहीं पैंट है, मेरा पूरा झूल रहा है पूरा वो चड्डी। हाँ बहुत बड़ा है। और सुन ना उसमें दो छेद है। हाँ उसमें फुल हवा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उसमें। अब से तो मैं पापा का ही चड्डी पहनूंगा, बड़ा है, कम्फर्टेबल है जी। वो भी पिंक कलर का, पिंक तो मेरा फेवरेट है। तो की हाल चाल नोडो सब बढ़िया और मस्त, आगे बढ़िया और मस्त रहना। और जितना मजा अभी स्टार्टिंग में आया ना, उससे दुगना मजा आएगा इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग दिखाने वाला हूँ हमारा रैम्पेज इवेंट का फिश स्किन का वीडियो रिव्यू। तो फिश स्किन इतना तगड़ा होने वाला है ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। अभी तक हमारे गेम में जितने फिश स्किन आए ना, सारे फिश स्किन का बाप आ रहा है, विश्वास नहीं हो रहा ना? तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा लास्ट देखते रहना। और रैम्पेज इवेंट रिलेटेड हमारे गन स्किन्स हो गए, ग्लोबल स्किन्स हो गए, इनका वीडियो रिव्यू निकल आ चुका है, तो आप लोग शेयर कर दूंगा। एंड न्यू इमोट्स के वीडियो रिव्यू निकल आए हुए, वो भी शेयर करूंगा। और लेजेंडरी आउटफिट को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हुआ है कि किस तरीके का लेजेंडरी आउटफिट हो सकता है, ये उसके रेट में अपडेट शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। एंड आप लोग कमेंट्स भी हैं इस वीडियो में, तो हाँ उनका भी रिप्लाई करूंगा। बस आप लोग बिना स्किप के वीडियो को पूरा लास्ट देखना। वीडियो स्टार्ट कर लेंगे, उससे पहले नए आ रहे हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर दो, लाइक कर दो, लाइक टारगेट होगा 100 का, तो सारे बंदे एक एक लाइक करके कंप्लीट कर देना। एंड एक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना वीडियो को, अगर फिश गेन पसंद आएगा तो। फिश गेन पसंद नहीं आया तो भाई शेयर मत करना, डिसलाइक करके जाना, ठीक है? अगर फिश गिन अच्छा लगता है ना तो भाई शेयर जरूर करना। एंड वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमें हमारे गेम के अंदर देखने को मिल चुका है इवो एक्समेट का रिटर्न फेडविल, जिसके बारे में अपडेट दे दिया था आप लोगों को करीब आज से 3-4 दिन पहले। तो मेरे हिसाब से लोगों ने टाइम इकट्ठा कर लिया होगा निकालने के लिए। एंड मैंने आप लोगों को डेट बोला था 23 मई का, पर वो देखने को मिल गया हमें 22 मई को ही। तो कोई दिक्कत नहीं यार, उसने कन्फर्म डेट मैंने बोला नहीं था, मैंने बोला था पॉसिबल डेट है, आगे पीछे हो सकता है, तो हाँ एक दिन आगे आई है, पर कोई दिक्कत नहीं। जिसको भी निकालना है आप लोग निकाल लेना इवो एक्समेट, हमें हमारे गेम में देखने को मिल चुका है फेडविल में। एंड कल काफी बंदे बोल रहे थे भाई रिडीम कोड दे दो, तो भाई मैंने कल आप लोगों को रिप्लाई कर दिया था कि रिडीम कोड नहीं आने वाला, सीधा गेम के अंदर क्लेम करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। जो फ्री फायर खेल रहे यार उनको बताना चाहता हूँ भाई, फ्री फायर मैक्स खेलो, एंड फ्री फायर मैक्स में ही रिपोर्ट्स मिलेंगे अब आगे से। एंड पैच अपडेट भी हमारा फ्री फायर मैक्स में देखने को मिलेगा, एंड पैच अपडेट के रिलेटेड जो आइटम्स है बिल्कुल फ्री, गन स्किन्स हो गए, मैजिक हो गया, ये सब फ्री फायर मैक्स में देखने को मिलेगा। एंड हमारा इधर ग्लोबल नहीं मिलेगा क्योंकि 700 के का लाइव वॉचिंग टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ 400 के हुआ था, इसके लिए मैंने अपडेट कल कमेंट पोस्ट में शेयर किया था आप लोगों को। तो ग्लोबल स्किन देखने को नहीं मिलेगा, बाकी इमोट और कैरेक्टर मिल रहा तो क्लेम कर लो। एंड कुछ अपकमिंग इवेंट्स के रिलेटेड लोगोस निकल गए हैं जो आप स्क्रीन में देख सकते हो। इधर हमारा रैम्पेज दिख रहा है, अनीता का दिख रहा है, एंड एक न्यू अलग साइड दिख रहा है। तो ये जो भी है इसके रिलेटेड अपडेट बहुत जल्द निकल आएंगे, शेयर करूंगा। तो 3 इवेंट्स हमारे कन्फर्म है ओबी 3 बाद। तो अब निकल का आ चुका आपके कमेंट्स। तो पहला कमेंट, रैम्पेज इवेंट डेट प्लीज। तो भाई ये कैसा कमेंट है यार, आप जिस वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे नहीं है उसी वीडियो में मैंने डेट बताया हुआ है कि कब से रैम्पेज इवेंट स्टार्ट होने वाला है। मैं बोलता हूँ ना बिना स्किप के वीडियो को देखो, क्योंकि 10 सेकंड भी स्किप करते हो ना तो बहुत बड़ा अपडेट छूट जाएगा आप लोगों से, क्योंकि मैं ऐसा अपडेट देता हूँ ना कि भाई पूरा वीडियो में अपडेट्स ही रहते हैं। तो जाके कल वाला वीडियो चेकआउट कर लो, जिसको भी रैम्पेज इवेंट का स्टार्टिंग डेट जानना है कब से हमारा रैम्पेज इवेंट हमारे इंडिया सर में स्टार्ट हो रहा है, एकदम कंफर्म डेट मैंने बताया है। अगर आप लोगों ने कल वाला वीडियो देखा है और फिर भी नहीं मालूम है तो एक बार फिर से जाके चेकआउट करो, एंड मालूम चल जाएगा। और इसके अलावा हमारा कल वाले वीडियो में इवोल्यूशन बंडल का फुल रिव्यू, अपकमिंग गन स्किन्स का, तो हाँ एक बार जाके कल वाला वीडियो जरूर चेकआउट करना। स्पेशली इवोल्यूशन बंडल के बारे में जानना चाहते हो तो रैम्पेज इवेंट इंटरफेस तक का मैंने रिव्यू कर दिया कल वाला वीडियो में, तो हाँ चेकआउट कर लेना इस वीडियो के बाद, वीडियो का लिंक ऊपर मिल जाएगा। एंड दूसरा कमेंट, भाई नेक्स्ट एवेंट 7 स्किन कौन सी आने वाली है, प्लीज ब्रो वीडियो में रिप्लाई कर दो। तो भाई देखो सबके मन में यही कंफ्यूजन है कि हमारा एवेंट 7 नेक्स्ट कब देखने को मिलेगा एंड कौन सा देखने को मिलेगा। तो भाई देखो अभी तक मैंने कल आपने कुछ गन स्किन दिखाया जिधर एवेंट 7 का स्किन तो नहीं दिख रहा है, एंड हो सकता है आजकल मैं निकल के आ जाए पर अभी तक निकल के नहीं आया। एंड मैंने आज से 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिधर मैंने आप लोगों को करीब ओबी 28-29 का एवेंट 7 स्किन था फ्रीजिंग फ्लेम वाला, जिसके बारे में अपडेट दिया था एंड बताया था कि वो एवेंट 7 देखने को मिलने वाला है। तो हाँ वो देखने को मिलने वाला है नेक्स्ट, बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो उससे पहले कोई न्यू आ गया या कुछ और न्यू आ रहा, कुछ अपडेट नहीं है, वो एवेंट 7 अभी कंफर्म बताया जाए देखने को मिलेगा अभी 34 में। तो अभी बस एक एवेंट 7 स्किन है, वो हमारा फ्रीजिंग फिल्म वाला, एंड उसका वीडियो रिव्यू वगैरह देखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक वगैरह मिल जाएगा, इस वीडियो का आपको अपडेट मिल जाएगा। और न्यू एमेंटमेंट के बारे में जैसे अपडेट निकल के आएगा वो भी अभी न्यू ही है, पर फिर भी ओबी 34 का कोई ना कोई एक न्यू स्किन होगा एमेंटमेंट क्रेडिट, तो जैसे निकल आएगा हमारे साथ शेयर कर दूंगा। एंड तीसरा कमेंट, भाई इसको डांस इमोट कब आएगा, तो भाई क्या यार रैम्पेज इवेंट टाइम आएगा क्योंकि रैम्पेज इवेंट टाइम इवोल्यूशन बंडल आ रहा है और इवोल्यूशन बंडल में एक इसको डांस इमोट होता ही है, और अभी जब स्क्रीन में देख रहा हूं ना इमोट, यही हमारा इसको डांस इमोट होने वाला है रैम्पेज इवोल्यूशन बंडल का, कंफर्म है। तो जो भी बंदा रैम्पेज का इवोल्यूशन बंडल निकालेगा उसको ये इमोट बंडल के साथ बिल्कुल फ्री
मिल जाएगा, जैसे कोबरा के साथ एक डांस वाला इमोट मिला था, बुया के साथ एक डांस वाला इमोट मिला था स्क्वाड वाला, उस तरीके से ये इमोट भी हमारे रैम्पेज इवोल्यूशन बटन का रहने वाला है। तो चाहिए ये इमोट तो आप रैम्पेज का इवोल्यूशन बटन निकालना, तभी आपको ये इमोट देखने को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री बंडल के साथ। तो ये हो गया हमारे आज के कमेंट्स। एंड हां, अभी चाहते हो आपके कमेंट को वीडियो में रिप्लाई करो तो भाई कुछ नहीं, कमेंट सेक्शन में चले जाना है, कुछ उधर ऐसा अलग सा कमेंट करना है कि उस कमेंट से सबको अपडेट मिले, तो उस कमेंट को पिकअप करके वीडियो में रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो मैं हर एक बंदे का कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रिप्लाई करता ही हूं। तो हां, बिंदास कमेंट सेक्शन में जाके कुछ भी पूछना है फिर पूछ लो। और टेलीग्राम चलाते हो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाक से ज्वाइन कर लो। एंड अभी देख सकते हो हमारा रैम्पेज इवेंट थीम का ग्लोबल स्किन, तो ये ग्लोबल स्किन एक नहीं है, दो दो है, एक तो हमारा ये पर्पल कलर वाला जो चेंज हो गया, पर्पल कलर ही बन रहा है, तो एक ही ग्लोबल स्किन चेंज होगा, मतलब इसका एनिमेशन ऐसा है कि थोड़ा चेंज हो जाएगा, इफेक्ट वगैरह आएगा, आप देख सकते हो वीडियो रिव्यू। एंड इसके बाद एक और ग्लोबल स्किन जो है ब्लू कलर वाला, एंड ये चेंज होकर रेड कलर का बन रहा है, जो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक एंड लेजेंडरी सा लग रहा है। तो लग क्या रहा, लेजेंडरी है ग्लोबल स्किन भाई। तो हां, ये ग्लोबल स्किन आपको रैम्पेज में देखने को मिल जाएंगे, इसके लिए आपको अच्छे खासे डायमंड पे करने पड़ेंगे। तो अगर आपको ग्लोबल स्किन पसंद आ रहे तो दो ग्लोबल स्किन है, एंड दो ग्लोबल स्किन के चार कलर है। तो हां, अगर आप लोग स्किन निकालने हैं तो भाई अभी से डायमंड इकट्ठा करना शुरू कर दो, क्योंकि रैम्पेज इवेंट बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, कंफर्म डेट जानना तो कल वाला वीडियो चेकआउट करना पड़ेगा, मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो ग्लोबल स्किन काफी ज्यादा तगड़ा बनाया गया इस बार के, जो कि आप साफ स्क्रीन में देख सकते हो वीडियो रिव्यू। एंड अभी देख सब स्किन में हमारा इवोल्यूशन M4A1 का एट्रीब्यूट्स, तो इसका एट्रीब्यूट्स रहने वाला है डबल डैमेज, सिंगल ऑटो फायर, माइनस रिलोड स्पीड, फुल रिव्यू आपने देखा ही हुआ है। तो हां, ये इवोल्यूशन M4A1 आपको अभी 34 में देखने को मिल जाए, कंफर्म है। एंड अभी दोस्तों हमारे इलाइट पास के लोगोस एंड बैचेस जो आपको एलाइट पास देखने को मिलने वाले हैं अभी 34 के बाद, तो उन्हीं के रहने वाला ये। तो जैसे इलाइट पास का फुल रिव्यू निकल आएगा बहुत जल्दी आएगा, मेरे सबसे कल तक आ जाएगा, जैसे निकल आया शेयर करूंगा, पर अभी जितना निकल आया उतना दिखा रहा हूं। एंड अभी दोस्तों आप लोग स्किन में हमारा रैम्पेज इवेंट का इवोल्यूशन थॉम्सन स्किन, मैं इवोल्यूशन बोलूंगा क्योंकि ये उस लेवल का थॉम्सन स्किन है भाई, जैसे ग्लोबल स्किन साथ डबल कलर का था से हमारा थॉम्सन स्क्रीन डबल कलर का है, एक रेड एक ब्लू, चेंज होता रहेगा पर सेकंड, जैसे कि वीडियो रिव्यू देख सकते हो आप लोगों को मालूम चल ही रहा है। तो हां, इसका साथ में एट्रीब्यूट्स भी देख ही सकते हो, डबल आर्मर पेनिट्रेशन, माइनस मैगजीन, सिंगल रेट ऑफ फायर, तो एट्रीब्यूट्स तो काफी ज्यादा जहर है एंड स्किन भी काफी ज्यादा जहर है। तो भाई ग्लोबल स्किन पसंद आया, थॉम्सन स्किन पसंद आया तो भाई निकालना है, फिक्स कर लो अभी से अगर निकालना है तो, क्योंकि अभी से डायमंड घटा करना शुरू करना पड़ेगा अगर निकालना है तो। हां, ये थॉम्सन स्किन बहुत ज्यादा जहर होने वाला देखने में भी एंड एट्रीब्यूट्स के मामले में भी। तो हां, देखने को मिल जाए आप लोगों को रैम्पेज इवेंट टाइम, कंफर्म है। एंड अभी देख तो स्किन में हमारा रैम्पेज इवेंट का फिश स्किन, तो भाई ये फिश स्किन के साथ भी कुछ उस तरीके से सिस्टम है, हमारा थॉम्सन स्किन के साथ था जैसे हमारा ग्लोबल स्किन के साथ था, सेम टू सेम कुछ इस तरीके से इसका भी डिजाइन किया गया। एंड इस फिश स्किन में भी ब्लू और रेड कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया, ब्लू कलर का कभी कभी हो जा रहा है, कभी कभी रेड कलर का हो रहा है, आप वीडियो रिव्यू देख सकते हो। तो भाई अभी तक का सबसे बेस्ट फिश स्किन मेरे को तो यही लगा, आपको अगर ये फिश स्किन बेकार लग रहा, अच्छा लग रहा, कमेंट मेरे को जरूर बताना, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं फिश स्किन कैसा लग रहा, क्योंकि मेरे को तो पर्सनली बोलूं ना अभी तक का सबसे बेस्ट फिश स्किन यही है, क्योंकि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोल दिया था कि फिश स्किन का बाप आ रहा, तो भाई मैं बोल सकता हूँ फिश स्किन सब फिश स्किन का बाप होने वाला है, क्योंकि देखो भाई टाइम पे कलर चेंज हो रहा है, एक फिश स्किन में दो कलर देखने को मिल रहा है, इसका इफेक्ट अलग लेवल का, बहुत बड़ा इफेक्ट दिखाई दे रहा है, रैम्पेज इवेंट का फिश स्किन रहने वाला है, तो कहीं से भी किसी फिश स्किन से कम नहीं है, ये सबसे तगड़ा फिश स्किन है। तो हां, ये फिश स्किन एक टाइम देखने को मिलेगा आप लोगों को रैम्पेज इवेंट टाइम, फिर आप लोग खत्म हो जाएगा, फिर बोलोगे भाई कब रिटर्न आया, कब रिटर्न आया, कब रिटर्न आएगा। तो भाई अभी मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, आप लोग डायमंड इकट्ठा करना शुरू कर दो अगर ये फिश स्किन निकालना है तो, और मत सोचना कि फेड ब्लू देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये फिश स्किन जितना तगड़ा बनाया गया ना तो कहीं से भी नहीं लगा कि फेड ब्लू में दे देगा ग्रैंड, तो भाई कोई ना कोई बड़ा इवेंट देखने को मिलेगा एंड अच्छे खासे डायमंड लगेंगे। तो भाई अभी से बोल रहा हूं मैं, अभी आप लोग पास टाइम है, इजिली वीकली या मंथली कर लो, डायमंड इकट्ठा हो जाएंगे एंड ये फिश स्किन आराम से निकाल पाओगे, नहीं तो फिर तभी बहुत दिक्कत होता है, 800, 1000, 1500 डायमंड उड़ जाते हैं, नहीं निकलता है। तो अभी से अगर आपके पास डायमंड रहेंगे 2000, 2500 तक तो फिक्स निकल जाएगा। तो हां, डायमंड इकट्ठा करना शुरू कर दो एंड फिश स्किन नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, जो आप स्क्रीन में वीडियो रिव्यू देख सकते हो। एंड अच्छा लगा फिश स्किन ना, तो भाई मैंने बोला था शेयर करना फ्रेंड के साथ, तो हां शेयर जरूर कर देना। और फिश स्किन को देखकर, थॉम्सन स्किन देखकर एंड ग्लोबल स्किन देखकर मेरे माइंड में ऐसा फील हुआ कि भाई जो आप मैंने कल आप लोगों को दिखाया था वीडियो रिव्यू हमारे लेजेंडरी आउटफिट्स का, जिधर हमारा रेड वाला लेजेंडरी आउटफिट जो फिश चलाता है एंड उसके बाद सडनली चेंज होता है ब्लू वाले स्किन पे, तो रेड वाला बंडल ब्लू वाले बंडल पे चेंज होता है, मतलब जैसे फिश स्किन का हमारा फंक्शन है रेड और ब्लू होते रहता है, वैसे थॉम्सन स्किन का फंक्शन है रेड और ब्लू होते रहेगा एंड ग्लोबल स्किन के भी, तो साथ से बंडल का भी कुछ उस तरीके से फंक्शन देखने को मिलने वाला आप लोगों को। मतलब कोबरा बंडल क्या सिस्टम था कि रेड पहने तो रेड ही पहने, आपको जगह चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ब्लू पहने हो तो ब्लू पहने आपको एक चेंज करना पड़ेगा, या फिर सारे बंडल के एक पार्ट पहन सकते हो, पर लगता है इस बार इवोल्यूशन बंडल में बंडल ही चेंज हो जाएगा, जैसे ग्लोबल स्किन चेंज हो रहा है, जैसे थॉम्सन स्किन चेंज हो रहा है, जैसे कि फिश स्किन चेंज हो रहा है, तो मजा आ जाएगा। बाकी अभी ये बस मेरे को डाउट लगा ये सब स्किन देख के, तो आप लोगों साथ शेयर कर रहा हूं एंड ये पूरा कन्फर्म हो जाएगा कल परसों तक, जैसे ही होगा ना भाई फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एंड ये अगर कन्फर्म होता है तो मजा आ जाएगा, क्योंकि एक बंडल पहने एंड ये एकदम प्रॉपर पूरा कलर चेंज हो जाएगा सडनली, मतलब अलग ही लेवल का फील आएगा एंड मजा भी आएगा। जो भी हो, मेरे को लगता है
आजकल में पता चल ही जाएगा। तो जैसे पता चलता मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यार एक शेयर कर दो, एंड लाइक नहीं हो तो भाई क्या यार लाइक कर दो, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रख दो, क्योंकि अभी तो बस ट्रेलर है, अभी पिक्चर आना बाकी है लेजेंडरी आउटफिट के बारे में। तो हाँ, अगर जाना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन जरूर कर देना, और मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्क्रीन में शो हो रहा होगा, क्लिक करो, मजे करो।